और आई है हम लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, पर ये 20 में से एक संतोषजनक बात यह है कि अधिकांश ऑलरेडी हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा है और कुछ ही बहुत तीन चार ही हैं जो कि अभी MIH वगैरह में थे, जिनके घरों में या उनके परिवार वालों संपर्क में रहे होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि संतोष की बात है कि ऑलरेडी ये लोग क्वारंटाइन में रहे थे तो वो मोहल्ले में रह के फैला नहीं रहे थे उस चीज़ को, तो इनको भी हम लोगों ने लिस्ट में सब अधिकारी लग गए हैं कि जो लोग 20 पाए गए हैं वो पहले जो कोविड पेशेंट पाए गए थे उनके परिवार के लोग हैं कि वो दूसरे उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट वाले हैं जिनकी वजह से और अगर आगे फैला होगी उसकी जांच कर रहे हैं। शाम तक उससे भी जुड़े हुए जो भी लोग रहेंगे उसको हम लोग मोहल्लों से निकाल कर क्वारंटाइन में कर देंगे, जो भी हम उन्होंने होटल्स में मेडिकल व्यवस्था की है। और इसी केस को पकड़ना है। अभी हम लोगों ने करीबन 200 टेस्ट के लिए और भेजे हुए हैं। जो भी पॉजिटिव अगर रिजल्ट आते हैं उससे फ़ायदा ही होता है अपने को कि अपने को मालूम पड़ जाता है किस पेशेंट को था, उसके संपर्क में कौन लोग आए हैं और किस प्रिकॉशन रखना है हमको। तो अगर हम तत्काल उनको क्वारंटाइन कर देते हैं उसके संपर्क में आए लोगों को, तो हम इस पेस को, जो बढ़ने वाला पेस है, कम्युनिटी स्प्रेड वाला पेस है, इसको रोक सकते हैं। तो पॉजिटिव आना, संख्या बढ़ना, तो इससे अपने को इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अपने को यही फ़ायदा है कि हम आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन आदमी था, कहाँ कहाँ मूव किया, वो किस घर में उठता बैठता था, ताकि वहाँ के संभावित लोगों को हम लोग क्वारंटाइन कर सकें। इसी माध्यम से इस स्पेस को, इस स्प्रेड को रोका जा सकता है। अभी 200 टेस्टिंग हम लोगों ने और दी हुई है, जो टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे शाम तक, उसमें से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे पॉजिटिव। वो अधिकांश लोग सब लोग क्वारंटाइन में हैं। दो लोगों की जानकारी यहाँ आई थी, कल हम लोगों ने SDM CSP को भेजा था, पर वो सही पता, सही एड्रेस नहीं मिला है उसका। हो सकता है कि उन्होंने गलत पता लिखवाया हो, वहाँ कहीं और भी लोग हों, यहाँ ना आए हों वो लोग, तो यही संभावना है उसमें। क्योंकि हमारे तो इमीडिएटली हम लोगों ने SDM CSP की टीम भेजी थी, वो सही एड्रेस नहीं पाए गए। देखिए, जो हम लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि घर में रही है, हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स हम लोगों ने और मांगी है, कुछ कंपनी हम लोगों के पास और मिलेंगी आजकल में, वो फोर्स मांग रहे हैं, उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे, ये सब जनता के स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए की चीज़ें की जा रही हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि दूर से पाबंदी लगाई, हम लोग का 24 घंटे का ब्रेक था, 24 घंटे बाद जब हम लोगों ने शुरुआत की तो भीड़ लग गई उसमें। जनता को ये समझना पड़ेगा कि आप भीड़ लगा के जाएंगे, अगर किसी भी एक को ये है, इस रोग में खासियत ये वायरस में संक्रमण बहुत तेज होता है इसका, ये खतरनाक नहीं है उतना। अभी 20 पेशेंट जो 27 हमारे एडमिट हुए थे, उसमें से 2-3 की जरूर डेथ हुई है, क्योंकि वो बुजुर्ग भी थे, क्रिटिकल भी थे, उनको और भी बीमारियाँ थी, उनको उस और भी बीमारियों के कारण उनको क्रिटिकल स्टेज में आया वो। पर 20 ठीक हो गए हैं उसमें से, अब 20 ठीक हो गए हैं, पर हैं रखेंगे भी 6-7 दिन हम लोग उनको, वो उनके 2 टेस्ट निगेटिव आ जाएंगे तो डिस्चार्ज कर देंगे उनको। तो लोग सभी लोग ठीक हो रहे हैं इस रोग से, पर संक्रमण बहुत तेज चूँकि फैलता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भीड़ लगा के इकट्ठा कहीं ना हो। तो आगे भी अगर हम लोग कोई फैसिलिटी देते हैं, सोचते हैं अगर 1 वीक के बाद, तो भी जनता से ये अपील रहेगी कि जो भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं, जो भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, मीडिया साथियों को भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसमें सहयोग करें, लोगों का अवेयर करें इसमें, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत फास्ट है। इसलिए जितना अलग अलग रहेंगे लोग, नहीं मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, किसी झुंड में गए, मान लीजिए कहीं 50 का झुंड इकट्ठा हो गया, एक को भी व्यक्ति को अगर टच हो गया वो, या उससे कुछ छींका, उसके ड्रॉपलेट्स आ गए, तो वो संक्रमण फैलता है, इसी प्रकार से फैलता है ये। अब वो कैरियर हो जाता है, भले उसको बीमारी के लक्षण उसमें नहीं आएंगे, वो 14 दिन में ठीक हो जाएगा। 80% लोगों में अगर वायरस आता भी है, उनको लक्षण ही नहीं आते हैं उनको, वो 14 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर वो कैरियर बन जाते हैं, कैरियर बनते हैं जो वो दूसरों से जब संपर्क में आते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के संपर्क में आ गए, उनके उनको मान लो जो किडनी की समस्या है वो, या डायबिटिक है, या कोई और इलनेस है उनको, उस परिस्थिति में उस बुजुर्ग व्यक्ति सीरियस हो जाता है, तो उसको संक्रमण हो जाता है। तो लोग जो घरों में रहने की बात की गई है, इस वजह से की गई है इसमें।